ईरान ने अमेरिका पर जवाबी वार कर दिया। फौजी अड्डों पर दो बड़े हमलों में 80 हलाक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सपना नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जनरल सुलेमानी की कत्ल पर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी वार कर दिया है। इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर दो बड़े हमले कर दिए गए। वाशिंगटन ने हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मिसाइल हमलों में 80 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता रात इराक में फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से दो हमले किए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में कहा है कि उन्होंने दर्जनों मिसाइल से अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अड्डों में ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे गए। अमेरिका के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। मगरबी इराक में ऐन अल असद में वाक़ फौजी अड्डे पर 9 रॉकेट गिरे। पेंटागन ने तस्दीक की है कि इराक में दो फौजी अड्डों पर ईरानी रॉकेटों से हमले किए गए हैं। अमेरिकी इत्तेहादी फौज पर दर्जनों से जायद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मिसाइलों का हदफ अल असद और अरबील में वाक़ फौजी अड्डे थे। हमलों में नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगा रहे हैं। अमेरिकी और इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम उठाएंगे। पेंटागन हुकाम का कहना था कि सदर ट्रंप अमेरिकी बेस पर हमले की रिपोर्ट्स का बगौर जायजा ले रहे हैं। सदर ट्रंप की कौमी सलामती की अपनी टीम से भी मुशावरत जारी है। अमेरिकी वजीर खारजा और वजीर दिफा भी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। ईरानी टीवी ने खबर दी है कि ईरान ने इराक में अमेरिकी अहदाफ पर एक के बाद दूसरा हमला किया। बगदाद के शुमाल में वाक़ अल ताजी अमेरिकी फौजी अड्डे पर 5 रॉकेट गिरे। ख्याल रहे कि ऐन अल असद एयरबेस इराक में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। पासदारान इनकलाब ने बयान में तंबी की है कि अमेरिका खत्ते से अपनी फौज निकाले, वरना इसराइल और अमेरिकी इत्तेहादियों को भी निशाना बनाएंगे। अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक से हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। आइंदा किसी अमेरिकी हमले की सूरत में मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के बाद बगदाद पर जेट तैयारों की परवाजें शुरू हो गई हैं। अमेरिकी हुकाम ने अमेरिकी एयरबेस पर खलीजी फजाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमले के बाद आज कौम से खिताब करना था। अव्वल ऑफिस में तैयारियां भी की गई, ताहम ये खिताब मुलतवी कर दिया गया। व्हाइट हाउस हुकाम ने सदर ट्रंप को ईरानी हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी और कौमी सलामती की अपनी टीम से मुशावरत जारी है कि आगे पेंटागन को क्या इकदाम उठाने हैं। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया।